गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बच्चों चर्चा करेंगे शीत युद्ध के दायरे। तो शीतकाल के चलते अनेक संकट उपस्थित हुए। अध्याय के पूर्व भाग में क्यूबा मिसाइल संकट पर जो है वो चर्चा की जा चुकी है। तो शीतकाल युद्ध में अनेक रक्तिम संघर्ष भी हुए। बहुत समय तक विश्व तनाव की स्थिति से गुजरता रहा, किंतु संतोषप्रद परिणाम रहे कि संघर्षों, तनावों तथा युद्धों की परिणति तृतीय विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। अर्थात विश्व अनेक संकटों से बच्चों गुजरा, तनाव एक दूसरे राष्ट्रों के मध्य चलते रहे, लेकिन परिणाम यह हुआ था बच्चों कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ। यह अच्छा रहा। तो महाशक्तियाँ, दोनों महाशक्तियाँ कोरिया, बर्लिन, कांगो और अनेक स्थानों पर मुठभेड़ की स्थिति में हो चुकी थी। युद्ध संकट के बादल घने होते हुए किंतु पीछे हटने को तैयार नहीं होते थे। जब हम शीत युद्ध के क्षेत्र के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में विभाजित देशों के मध्य संकट, तनाव के अवसर उपस्थित हुए। कहीं युद्ध हुए, कहीं युद्ध की संभावना प्रतीत हुई, किंतु संघर्ष एक सीमा से अधिक नहीं पड़ा। कोरिया, वियतनाम तथा अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्र व्यापक जन धन की हानि हुई। अर्थात ऐसे राष्ट्र जिनमें जन और धन दोनों की हानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से सुरक्षित रहा। झगड़े हुए, विवाद हुए विभिन्न राष्ट्रों में, लेकिन बच्चों ये अच्छा रहा कि परमाणु युद्ध जैसी स्थिति नहीं हुई। युद्ध वैमनस्य क्रोध विश्वव्यापी रूप नहीं ले सका। अर्थात छुटपुट घटनाएं चलती रही, बहुत सारे हालांकि लोग हताहत हुए, मारे भी गए। अनेकानेक समय तक दीर्घकालीन संवेदनहीनता की स्थिति बनी रही। संवेदनहीनता के कारण गलत फहमियों ने स्थान बनाना आरंभ कर दिया। ऐसे अनेक अवसर उपस्थित हुए जब क्रोध तथा विवेकहीनता को त्याग कर दोनों गुटों के बाहर देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। अर्थात इस शीत युद्ध के दौर से बाहर निकलकर लोगों ने एक दूसरे की मदद की, हेल्प की। तो शीत युद्ध उक्त संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों ने सक्रिय भूमिका निभाई या स्मरणीय रही। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो इन दो महाशक्तियों के बीच एक ऐसे तीसरे गुट का भी उदय हुआ जिसको हम गुट निरपेक्ष राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। तो इस गुट निरपेक्ष नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो इसमें कौन कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू, दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किस किस के बीच? उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण कोरिया के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कांगो के संकटकालीन समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख रूप से मध्यस्थता की। अंततः परिणाम स्वरूप उक्त अकाट्य सत्य से स्पष्ट होता हुआ है कि दोनों महाशक्तियों ने स्वीकार कर लिया कि इस युद्ध की स्थिति को प्रतीक रूप में टाला जाना ही हितकर होगा। इसी समष्टि बुद्धि के कारण इन दोनों महाशक्तियों ने अद्भुत संयम का परिचय दिया और अंतर्राष्ट्रीय विषय को उत्तरदायित्व की भावना का निर्वाह किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर सरकता गया। संयम तथा तर्कों के आधार पर विश्व तृतीय विश्व युद्ध के विनाश से बच गया। अर्थात ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने विश्व को तृतीय विश्व युद्ध को होने से बचा लिया। यद्यपि शीत युद्ध काल में ही दोनों गठबंधनों के मध्य प्रतिद्वंद्विता की भावना बनी रही, इसी कारण एक दूसरे के प्रति आशंका की स्थिति भी बनी रही। अतः दोनों पक्षों ने आवश्यकता अनुसार युद्ध विषयक सामग्री को एकत्र की तथा गोपनीय रूप से युद्ध की तैयारी भी करते रहे। हालांकि दोनों देशों के बीच युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन अंदरूनी रूप से वे अपनी सैन्य शक्ति को बच्चों बढ़ाते रहे। यह युद्ध विषयक सामग्री आत्मरक्षा का आधार मानी जाती है। दोनों ही देश आशंकित थे कि संयम तथा विवेक के उपरांत भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। दोनों गुट एक दूसरे को युद्ध विषयक सामग्री की संख्या को लेकर इच्छित अनुमान लगा सकते थे, एक दूसरे की मानसिकता को समझने की भूल कर सकते थे,
प्रश्न यह था कि यदि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। यदि भूलवश असावधानीवश अथवा किसी असामाजिक तत्व की शरारत के कारण कोई परमाणु दुर्घटना घटित हो जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में देश के मुख्य नेतृत्व की कैसे जानकारी हो पाएगी। कोई मिसाइल नहीं दागी गई परंतु एक भूल असावधानी पूर्ण घटित दुर्घटना है। तो ऐसी आशंकाएं अभी भी मन में बच्चों रही। अब इसमें एक कार्टून दिया गया है बच्चों, कार्टून के माध्यम से बताया गया है कुछ कि शीत युद्ध को लेकर भारत के नजरिया। इसमें बताया गया है कि शीत युद्ध के प्रति भारत का क्या नजरिया था। पहला कार्टून दिया है जब समाजवादी गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप तरीके से दोस्ती कर ली, अर्थात दो देशों के बीच दोस्ती हो गई अमेरिका और चीन की। दूसरे कार्टून में दिखाया गया है वियतनाम में अमेरिकी दुस्साहस को चित्रित किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ इसमें चित्रित किया गया है। इससे आगे बढ़ते हुए इन्हीं कारण इन्हीं आशंकाओं को निमूल नष्ट करने के उद्देश्य से उचित समय पर अमेरिका तथा सोवियत संघ ने परमाणु तथा विनाशक शस्त्रों को समाप्त करने अथवा सीमित करने का निर्णय लिया। दोनों महाशक्तियों ने निर्णय लिया कि अस्त्र शस्त्र निर्माण ये शस्त्र प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रयासों का आरंभ 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हो गया था तथा एक दशक के मध्य दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसमें कुछ संधियां की गई 1960 में, जिसमें परमाणु परीक्षण संधि, परमाणु प्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि आदि। इसके बाद है दो ध्रुवीयता को चुनौती। तो विश्व पटल पर बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से दो ध्रुवीयता की चुनौती। तो क्या था बच्चों, इस प्रकार जो विश्व था वह दो महाशक्तियों में विभाजित हो गया था। तो उन दो महाशक्तियों के अलावा भी एक तीसरे गुट का उदय हुआ जिसको हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। उससे पहले पढ़ा हमने शीत युद्ध। बच्चों एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दो देशों के बीच युद्ध नहीं होता लेकिन तनावपूर्ण स्थिति होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध क्या है, क्यूबा संकट क्या है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें आगे जानेंगे दो ध्रुवीयता को चुनौती। यहाँ से आगे से देखेंगे शीत युद्ध के कारणों से किस प्रकार दो प्रतिद्वंदी गुटों में संपूर्ण विश्व विभाजित हो गया था। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका तथा लातिनी अमेरिका के नवीन स्वतंत्रता प्राप्त देशों के समक्ष एक तृतीय विकल्प भी प्रस्तुत किया। वो विकल्प क्या था, वो था गुट निरपेक्षता का। यह छोटे छोटे तथा नव स्वतंत्र देशों की महाशक्तियों से पृथक अपना एक चयन करें, अर्थात उन ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र जो युद्धों को बढ़ावा देते थे, जो सैनिकवाद को बढ़ावा देते थे, उससे हटकर एक नए गुट का उदय हुआ जिसको हम गुट निरपेक्ष राष्ट्र भी बोलते हैं। उससे आगे जानेंगे विस्तार से। अभी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉड टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर आदि की मित्रता थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो कर्णधार थे बच्चों के प्रमुख थे, तीन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि कौन कौन थे। उसमें मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर थे। आगे है 1956 में तीनों मित्रों ने एक सफल वार्ता की जिसका इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा घाना के वामे एनक्रुना द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। तदुपरांत यही पांच नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसके प्रमुख बिंदु क्या थे, पांच देशों के मध्य परस्पर सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार एवं इसके बढ़ते हुए दायरे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत से नए स्वतंत्र अफ्रीका देशों का नाटकीय रूप में उदय होना, 1960 तक संयुक्त राष्ट्र में 16 नवीन अफ्रीकी देश सदस्य के रूप में विकसित हो चुके थे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन या सम्मिलित देशों की संख्या मात्र 25 थी। कालांतर में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या
में लगातार वृद्धि होती चली गई। 2006 में क्यूबा में हवाना में हुए सम्मेलन में 116 सदस्य देश तथा 15 पर्यवेक्षक देश सम्मिलित हुए। सने सने गुटनिरपेक्ष एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित होता चला गया और धीरे धीरे लोग विश्व पटल पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन से लोग जुड़ते चले गए। अर्थात गुटनिरपेक्ष का उदय अब एक विश्व पटल पर स्पष्ट रूप से हो चुका था। साथ ही साथ इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां तथा विभिन्न देशों के भिन्न भिन्न हित सम्मिलित होते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूल स्वरूप परिवर्तित होता चला गया। इसी कारण इसके विषय में कोई स्पष्ट टिप्पणी अथवा सशक्त परिभाषा करना दुभर हो गया। वास्तव में आंदोलन क्या है क्या नहीं, इस प्रकार की जानकारी अपेक्षाकृत कुछ सरल है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाशक्तियों के गुटों से अलग न होने का आंदोलन है। महाशक्तियों के गुटों से विलग रहने की उक्त नीति का अर्थ यह नहीं है कि उक्त आंदोलन के नेता स्वयं अंतर्राष्ट्रीय विषयों से अलग रखें अथवा तटस्थता का परिचय दें। तो इससे बच्चों ये भी हम नहीं जान कह सकते कि जो तीसरा गुट था वह विश्व के देशों से बिल्कुल पूरी तरह से अलग थलग हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, वो सैनिकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, इस बात पर उन्होंने बच्चों जोर दिया। अब इसमें आगे क्या था, अथवा तटस्थता की नीचे का परिचय देंगे या अलग रहेंगे, ऐसा नहीं है। पृथकता या गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद यानी कि अलग रहना नहीं है, बल्कि क्या है, अपितु स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय विषयों से अलग रखना या अलग करना है। कैसा, अमेरिका में स्वतंत्रता हेतु 1787 में संघर्ष की युद्ध परिणति हुई, तत्पश्चात प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ तक अमेरिका ने स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग रखा। इस प्रकार उसने पृथकतावाद की नीति को अपनाया। ठीक इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देश जिसमें भारत भी सम्मिलित था, विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने का भरसक प्रयास किया तथा प्रतिद्वंदी देशों के मध्यस्थता हेतु सक्रियता की भूमिका का निर्वाह किया। तो इनमें राष्ट्रों का प्रमुख उद्देश्य था कि विश्व स्तर पर शांति बनाए रखना, अर्थात सैनिकवाद से अलग रहना। गुटनिरपेक्ष देश की शक्ति का मूल उनकी आपसी एकता तथा महाशक्तियों के द्वारा अपने अपने पक्ष में सम्मिलित करने के भरसक प्रयत्नों के उपरांत भी ऐसे किसी खेमे में सम्मिलित न होने के उनके दृढ़ संकल्प से निहित था। तो गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य तटस्थता नहीं है, तटस्थता से मुख्यतः युद्ध में सम्मिलित न होने की स्थिति की नीति का पालन करना है, अर्थात युद्ध में सम्मिलित न होना, यह गुटनिरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य था। जो देश तटस्थता की नीति को अपनाए हुए थे उनके लिए यह भी आवश्यक नहीं था कि वह युद्ध को समाप्त करने में सहयोग करेंगे या सहायता करेंगे। ऐसे युद्ध या में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं होते हैं, न युद्ध के परिणामों का उन पर कोई प्रभाव पड़ता है। वास्तव में अनेक कारणों से भारत तथा अन्य गुटनिरपेक्ष देशों ने संभावित युद्धों को टालने के भरसक प्रयत्न किए जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। तो बच्चों इसमें मुख्य यह है कि ऐसे गुट में ऐसे राष्ट्र सम्मिलित नहीं होंगे जो सैनिकवाद को बढ़ावा देते हैं, बल्कि पूरे विश्व के साथ जो देश हैं उनके साथ अपना संबंध रखेंगे, लेकिन ऐसा संबंध रखेंगे जो युद्धों को बढ़ावा ना दे, अर्थात उनकी मदद भी करेंगे और युद्ध को टालने का पूरा पूरा भरसक प्रयत्न ऐसे राष्ट्र करते रहेंगे। बच्चों तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, अर्थात विश्व पटल की आर्थिक व्यवस्था उस समय कैसी थी। धन्यवाद।